A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving mixed tense exercises of ISC class 12. जिसमें ये उनके previous year papers हैं. The first one is 2018 का paper, as you can see on the head. ठीक है, तो these were the exercises that I have never solved for you all, जो previous year के थे. तो इसके सिर्फ तीन parts हैं जो हम लोग आज लेंगे और उसके बाद तीन parts हम लोग बाद में लेंगे. तो टुडे वील बी सॉल्विंग 2018, 2019 एंड 2020. 21 में पेपर नहीं हुआ था एंड 22 से इसके सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी गिवन. तो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट इन दिस. मतलब पांच नंबर का ये होता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन और प्रीपोजिशंस के अलावा ये वाला जो पार्ट है वो आता है आपके में. तो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड. Appropriate form of verb given in brackets. Do not write the passage, but write the verbs in the correct order. Means you have to write the tense ka form along with the verbs that are given here. ठीक है, तो one day a millionaire went to a hotel in New York and asked. Obviously आप यहाँ पर कुछ past का बता रहे हो, एक कहानी के जैसे बता रहे हो, तो it will be past tense. तो asked, उसने पूछा. For the cheapest room they had, have का past tense. What dash the price of the room? अब यहाँ पर ये जो sentence है ये मेरा direct form में पूछा है, तो कुछ भी अगर direct form में उसने पूछा है तो वो मेरा present tense में चला जाएगा. तो it will be written as be का form होता है is am are, तो was were. तो यहाँ पर what is the price of the room he asked, उसने पूछा कि price of room क्या है, उसने ये नहीं पूछा कि क्या था. Then next the manager told him, manager ने उसको बताया. ठीक है, is that the cheapest room you have, क्या ये सबसे cheapest room है जो आपके पास है. Question mark, I stay by myself. तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है I am staying, मैं अकेले ही रुक रहा हूँ. यहाँ पर जो person था उसने आकर के बोला that मैं अकेले ही यहाँ पर रुक रहा हूँ. And Only need a small room. अब जितनी भी चीजें आपके inverted commas में वो आपकी direct speeches है. Direct speeches बहुत ही rare cases में past tense में होती है. ठीक है, वो तब आप होती है जब आप उसको interchange करते हो. Then the नहीं तो वो present tense में ही होती है. Then the manager said, why do you choose a poor room like that? Your son. अब यहाँ पर he की बात की गई है. हम लोग ने पढ़ा होगा समवेयर इन स्मॉल क्लासेस कि अगर ही है, शी है, ओके, ही शी है, इट है, तो उसके साथ जब हम लोग वर्ब लिखते हैं तो इट गोज एज प्ले, कैसे जाए, सॉरी, इट गोज एज प्लेज. ही प्लेज, शी प्लेज एंड इट प्लेज. और अगर दो और चीजें अगर जाता है इसमें वी, अगर जाता है इसमें दे, अगर जाता है इसमें दे है ये, अगर जाता है इसमें आई, ठीक है, तो फिर इट विल रिमेन एज प्ले. तो यहां पर योर सन इज ही, तो इसीलिए वो जाएगा एज योर सन ऑलवेज स्टेज इन आर मोस्ट एक्सपेंसिव रूम. यस सेड द मिलेनियर, बट हिज फादर इज अ वेल्दी मैन. अब यहां पर अगेन डायरेक्ट फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, यस सेड द मिलेनियर, बट हिज फादर इज अ वेल्दी मैन, माइन इज नॉट. ओके, तो यहां पर अब जब आपने ये पूरा सेंटेंस, सिर्फ इतनी सी ट्रिक समझा करो, जब आपने पूरा सेंटेंस समझ लिया है तो उसको एक लाइन में फिर से पढ़ लिया करो. वेन एवर यू आर राइटिंग इट, डू नॉट राइट द पैराग्राफ्स इन योर आंसर शीट. तो आपने आंसर्स अपनी कॉपीज में लिख दिया, आप दोबारा से उसको रीचेक कर लिया करो. नेवर In any case, you are supposed to write any two parts in this asked and had asked. ये चीजें कभी नहीं करनी होती, सिर्फ एक ही पार्ट है जो आपको इसमें लिखना होता है, whether it is this side or that side, क्योंकि वो कंसिडर होगा, नहीं तो उसको जीरो कर दिया जाएगा. ओके, नाउ वी विल मूव 2018 वी हैव डन, नाउ वी विल मूव टूवर्ड 2019. 2019 कहता है आपसे, और ये वो चीजें हैं जिसपे एग्जामिनर्स के भी कोई कमेंट्स स्पेसिफिक आए नहीं, क्योंकि इसमें दीज आर इजी, तो इसमें आपको इजीली स्कोर मिल जाते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं. वन डे
आई डैश इन अ लंच लाइन, तो वहां पर क्या बोल रहा है कि अगेन, फिर वन डे, तो स्टोरी पास्ट से शुरू हुई है। वन डे आई वॉज इन अ लंच लाइन एंड देयर आई सॉ अ पाइल ऑफ एप्पल्स। द टीचर इन चार्ज, वो मुझे देख रही थी, टीचर इन चार्ज स्टेयर्ड एट मी, इट वॉज नॉट स्टेयरिंग, स्टेयर्ड एट मी एंड सेड जस्ट टेक वन, सिर्फ एक एप्पल लो, जस्ट टेक वन, गॉड इज वॉचिंग। ओके, गॉड इज वॉचिंग। देन नेक्स्ट वन, सो आई टुक, फिर ये पास्ट टेंस में चला गया जाएगा, इसीलिए मैंने लिया पास्ट टेंस में। सो आई टुक एन एप्पल एंड द लाइन मूव्ड अलोंग। एट द नेक्स्ट टेबल देयर वॉज अ पाइल ऑफ चोको चिप कुकीज। आई नॉट नो, तो न्यू नहीं होगा, नॉट न्यू नहीं होगा, आई डिड नॉट नो, पास्ट टेंस में जाएगा, मुझे नहीं पता था वॉट टू डू। द किड सेड समथिंग लाइक दिस एंड देन द किड बिहाइंड मी विस्पर्ड। ओके, टेल मी वॉट दिस इज, आई नीड एन आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स कि इसको क्या कहते हैं और वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो द किड बिहाइंड मी विस्पर्ड, और उसने बोला टेक ऑल यू वॉन्ट, गॉड्स वॉचिंग द एप्पल्स। और उसने कहा कि टेक ऑल, तुम सब ले लो, गॉड इज वॉचिंग द एप्पल्स। अब यहां पर ये जितने भी इन्वर्टेड कॉमास वाली चीजें, अगेन वो चीज प्रेजेंट टेंस में चली जाएगी। जब उसके बाहर कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये सब है, तो ये सब पास्ट टेंस में जाता है। ओके, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड साइड, दैट इज 2020 का पेपर। 2020 में व्हेन एल्बर्ट आइंस्टाइन डैश 3 इयर्स ओल्ड, तो ही वॉज, जब वो 3 इयर्स ओल्ड थे, हिज पेरेंट्स वर, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, सॉरी प्लूरल है, तो वर, हिज पेरेंट्स वर वेरी वरिड, दे वर एंशियस, ही सीम्ड इंटेलिजेंट, वो देखने में बहुत इंटेलिजेंट था, बट हैड नॉट स्पोकन अ सिंगल वर्ड, दे टुक हिम, नाउ इट विल बी एज पास्ट टेंस, दे टुक हिम टू मेनी डॉक्टर्स हु सेड, ठीक है, हु सेड, जिन्होंने कहा दैट दे फाउंड, अब फाउंड की जगह पर दो ऑप्शंस दिए हुए, दे कुड फाइंड भी आप लिख सकते हो और फाउंड भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू राइट ओनली वन ऑप्शन में। आई एम टेलिंग यू कि जो इसकी आंसर की है गिवन बाय द काउंसिल इटसेल्फ, उसमें दोनों चीजें दी हुई हैं, तो दैट दे फाउंड और कुड फाइंड नथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड। वन डे एट द डिनर टेबल एल्बर्ट सडनली सेड द सूप वॉज, सॉरी द सूप इज टू हॉट, ठीक है, उसने क्या कहा, अगेन इट विल कम टू प्रेजेंट टेंस, द सूप इज टू हॉट। द शॉक्ड पेरेंट्स आस्क्ड हिम, अब शॉक्ड पेरेंट्स जो थे उन्होंने उससे पूछा, क्योंकि अभी तक तो उसने कोई सिंगल वर्ड भी नहीं बोला, तो उसने उनसे पूछा, द शॉक्ड पेरेंट्स आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड रिमेन्ड, वो क्यों इतने समय तक साइलेंट रहा था, ठीक है, रह रहा था नहीं, रहा था, तो व्हाई ही हैड रिमेन्ड, हैड रिमेन्ड इसमें जाएगा, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। They had remained silent for so long. The young child solemnly replied, "Everything was in order until now." अभी तक सब कुछ सही था, ठीक है? Was in orders until now. तो I have given you all these things. तो वैसे चलो हम लोग इसका एक comment वाला भी हिस्सा पढ़ लेते हैं। अब देखो जो सबसे पहला वाला हिस्सा होता है, that is the part of transformation. उसके लिए बोला गया है कि कुछ candidates जो थे उन्होंने ये चीज अच्छे से परफॉर्म नहीं की, कभी सिंटेक्स के एरर, ग्रामर के, पंचुएशन के एरर्स थे, देन कैपिटल लेटर्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स जो थे वो सही जगह पर नहीं थे, कैंडिडेट्स, अब ये दूसरा वाला है प्रेपोजिशन वाला पार्ट, कैंडिडेट्स गॉट मोस्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस करेक्ट, बट देयर वाज कंफ्यूजन अमंग सम ऑफ देम, जैसे कि जो फ्रेजल वर्ब्स से रिलेटेड होते हैं वो वाले, ठीक है। फिर मोस्ट कैंडिडेट्स अचीव्ड फुल मार्क्स इन दिस, और जो तीसरा वाला सेक्शन है जिसमें हम लोग ने अभी जो सॉल्व किया है उसमें दे हैव अचीव्ड
फुल मार्क्स। अब इसके कुछ चीजें वो भी तुम लोग पढ़ लो, काम आएंगी तुम लोगों के। अभी भी 2-4 महीने थोड़ा सा अच्छे से, हो सकता है कि थोड़ी बहुत अकल आ जाए इस सब को पढ़ के। स्टूडेंट्स मस्ट बी गिवन रिगोरियस एंड रेगुलर प्रैक्टिस इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मीन्स फंक्शनल ग्रामर एक ऐसी चीज है जो आपको रेगुलर सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। ये जो तीसरा वाला इसका हिस्सा है भाई, आपके पास टोटल इंग्लिश या जो भी बुक्स होती है वो है, पढ़ो उनसे और स्पेसिमेन पेपर्स उनके सॉल्व करो, जितने भी आपको पीछे उसके प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाते हैं। एंड इन केस यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द आंसर कीज ऑफ इट, तो आप सिंपली क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन, तो यू कैन गेट इट क्रॉस चेक्ड बाय एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जो आप साथ में पढ़ते हो, तो वो हो जाता है, ठीक है। प्रेपोजिशंस की आप मीनिंग ढूंढ लो, लाइक हाउ आई सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर हम आपको कुछ भी उटपटांग चीजें फ्रेजल वर्ब्स या कुछ देते हैं, तो हम पहले उसकी मीनिंग ढूंढते हैं, ओके। इफ आई एम श्योर कि अब यही इसकी मीनिंग होगी, अगर पुट डाउन है तो पुट डाउन की मीनिंग यही होगी। इफ आई एम श्योर देन ओनली आई मार्क इट देयर। तो फ्रेजल वर्ब्स ये सब चीजें आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट वन अगेन आई एम टेलिंग यू कि इसमें यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेंसेस, एंड सेकेंड इज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्पोकन इंग्लिश। बोलो, बात करो, अगर आप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इफ यू रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक्स, जब भी आप ये पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हो, मींस यू कैन डू इट और उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट एकदम सिर्फ सोचोगे कि हम सिर्फ एग्जाम के टाइम पर इसको पढ़े, तो दिस विल नॉट बी द केस। तो क्या बोला गया है कि उनको रूल्स ऑफ ग्रामर रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशंस पता होने चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशंस की बहुत सारे मल्टीपल एक्सरसाइजेस वी हैव डन, यू कैन गो एंड सी देम। एनकरेज स्टूडेंट्स टू गो थ्रू एज मेनी एक्सरसाइजेस एज पॉसिबल एंड द आंसर शुड बी डिस्कस्ड एज सून एज द एक्सरसाइज इज कम्प्लीट। तो ऐसे करके यू कैन डू इट कि जैसे उन्होंने क्वेश्चंस, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस किए, गो एंड डिस्कस, और इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन आस्क योर टीचर्स एज वेल, और यू कैन डिस्कस विद द स्टूडेंट्स जिनके साथ आप वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो। स्टूडेंट्स मस्ट बी टोल्ड टू इंश्योर दैट द मोस्ट नेसेसरी एंड मिनिमल चेंजेस आर मेड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंसेस। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, दिस थिंग आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उसको इधर से उधर या उधर से उधर करना है, मेनली सारा का सारा जो होता है वो सब सेम होता है। यू नो डोंट नीड टू चेंज अलॉट इन द ट्रांसफॉर्मेशन, और रेगुलर प्रैक्टिस आपको मिलनी चाहिए फ्रेजल वर्ब्स और प्रेपोजिशंस की, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट प्रेपोजिशंस क्या होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के रिलेशन में वो कैसे होते हैं, ओके। तो मार्किंग स्कीम जो है उसमें हम लोग के क्वेश्चंस के आंसर्स ही हैं, जो हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन और सब चीजें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला जो है एक और, इसका आई विल मेक यू अनदर वीडियो, जिसमें हम लोग ने 18 तक कर लिए, तो 17, 16 और 15, 16 आई हैव डन, 16 हमने शायद इकट्ठे एक ही साथ करवा दी थी सारी चीजें, तो द अदर थिंग्स वी विल बी डूइंग, ओके। टेल मी व्हाट मोर यू नीड टू हैव इन द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर, एंड keep preparing for your exams. If you have liked the video, please do subscribe to my channel and do share it with your friends as well. You can share it with your juniors as well. आप लोग पढ़ोगे उसके बाद उनको भी तो काम आने चाहिए ना ये सारी चीजें, okay? And best wishes. Thank you.